Yo, what's up guys, Jordan Gamer here. Mera naam hai Franklin. Welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, pichle episode mein to aap logon ne dekhi liya hoga. Rottweiler Military Dog vs. German Shepherd, yani ki 2 on vs. 1 hua tha. Aur jo result the, wo kaafi zyada dardnaak the bhai. Matlab bahut hi zyada dukh laga. Aur finally guys, jo aaj ka jo video hai na, wo bahut hi zyada interesting hone wala tha. Please video ko end tak zarur dekhna. Aur jinhone abhi channel ko subscribe nahi kiya hai, please channel ko subscribe karke bell notification ko all pe tick kar dena. Finally guys, baba hum log ke saath hai aur ye raha guys hamara German Shepherd. Guys, pichle video ka result ye raha. Bhai saab kitni berehmi tarike se ise jo hai mara gaya hai. Ab guys pata nahi baba jo aise theek kaise na kaise karke karne wala hai. Filhal dosto aaj ek bahut zyada khushkhabri bhi hai. Ab dosto baba isko kaise na kaise karke repair to kar dega. Sar pakad raha hai bhai. Isne jo banaya tha ise wo theek to ho jayega. लेकिन गाइस अभी जो है एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है. आज मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार बंदे से मिलाने लेके जा रहा हूँ. और गाइस वो बंदा जो है आप लोगों का फेवरेट है, तो आप लोग गैस भी कर सकते हो. फिलहाल दोस्तों वीडियो को देखते रहना. ये क्या गाइस, ये जो है मुझे कॉल आया लेस्टर की तरफ से, टीम ए की तरफ से. तो लेस्टर ने बताया फ्रैंकलिन सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ एक अच्छी तरीके से, क्योंकि भाई जो पुलिस लॉस सैंटोस डिपार्टमेंट है उसमें गाइस एक बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्टर की एंट्री हो चुकी है. मतलब गाइस आप लोग समझ पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर यहाँ पर आ चुका है. और गाइस ये बात मुझे बहुत पहले ही पता लग गई थी, क्योंकि जब से गाइस मैंने गैंगस्टर्स जो ज्वाइन कर लिया है, आप लोग को पता होगा गाइस मैंने जो है गैंगस्टर को ज्वाइन कर चुका हूँ अच्छी तरीके से. तो यहाँ पर दोस्तों नए इंस्पेक्टर की तो ज़रूरत पड़ी जाती है. तो यहाँ पर नया इंस्पेक्टर अराइव हो चुका है, जो कि दोस्तों अच्छी खासी गैंगस्टर की लगाने वाला है. फिलहाल दोस्तों मैं हूँ बहुत बड़ा सस्पेक्ट एक तरह से पूरे लॉस सैंटोस का. और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो एयरपोर्ट में घुसना मेरे को बिल्कुल भी अलाउड यहाँ पर नहीं करते हैं कोई भी. लेकिन गाइस ताकि आप लोगों को पता होगा कि भाई अंदर जब मैं जाऊँगा, फिलहाल मैं एयरपोर्ट इसलिए जा रहा हूँ वो खास बंदे से मिलाने के लिए आप लोगों को. वो दोस्तों आ चुका है यहाँ पर, लॉस सैंटोस पे अराइव हो चुका है और आप लोगों का फेवरेट है. तो गाइस सबसे पहले इस बंदे को मुझे मार देना है, क्योंकि गाइस ये बंदा मेरे को जाते हुए तो इसने नहीं देखा, पर जब मैं आऊँगा तो क्या पता मुझे देख ले और डायरेक्ट पुलिस में रिपोर्ट कर दे, जिसके कारण गाइस हम लोगों को 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ सकती है. तेरी ऐसी की तैसी साले. यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइज ऐसी ड्यूटी दे रहे हैं भाई, पीछे से कार आ रही है, बंदा आ रहा है, अपने में ही धुन है भाई. मतलब पता नहीं क्या हो रहा है इनको, घर से लगता है झगड़ा वगैरह हो गया था इन लोगों का, और यहाँ पर ये अकेले खड़ा था बेचारा, और आज मैंने इसे मार भी दिया. तो फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ जो भाई बंदा आया हुआ है. और वो है गाइस आप लोगों को कुछ ही देर में, यानी कुछ ही सेकंडों में पता लगने वाला है, डेविन वेस्टन के हैंगर पर है गाइस अकेले वो, और वहीं पर दोस्तों आप लोगों को दिखने वाला है. ठीक है, वो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बंदा है, बहुत दिनों से आप लोग सोच भी रहे थे. वेलकम टू फ्रैंकी. तो गाइज आप लोग देख पा रहे हो फ्रैंकलिन का बेबी, आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो फ्रैंकी द अल्टीमेट मैन. गाइज यहाँ पर दोबारा से लौट चुका है, पता नहीं इस बंदे की हाइट वेट उसकी एज बढ़ रही है, पता नहीं नहीं बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन भाई इस एज में जिसने जो कमाल कर दिखाया था वो भाई सच में मिरेकल बॉय टाइप था एक तरह से. क्योंकि गाइस इसने पिछले एपिसोड में, मतलब बहुत ज़्यादा पिछले एपिसोड में, बजूका आरपीजी भी लॉन्च की थी इतनी छोटी सी साइज़ में. मतलब आप लोग देख पा रहे हो, चलो यहाँ पर थोड़ा भरत मिलाप हो जाए गाइस. यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहा है अपने बेटे को, और डायरेक्ट उसने बोल दिया है कि आ जाओ भाई बैठो मेरे साथ तुम्हें ले चलता हूँ. तो यहाँ पर दोस्तों फ्रैंकी ने मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भी बताई है. फ्रैंकी ने बताया मेरे को कि भाई जो शिनचैन है वो लॉस सैंटोस के इंस्पेक्टर ने उसे जो है आते ही लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे किडनैप कर लिया था. अब मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसके कारण मैं तो बच गया, और जिसके कारण मैंने आप लोगों को यहाँ पर कॉल किया, और फाइनली आप लोग यहाँ पर जो है आ चुके हो, मतलब फ्रैंकलिन यहाँ पर आ चुका है. और गाइस फ्रैंकी का कहना ये भी है कि भाई वो पुलिस इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा शातिर है, वो आपको कैसे ना कैसे करके धूड़ी लेगा. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो उसका शक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा निकला, 4 स्टार की पुलिस हम लोग के पीछे पड़ चुकी है. लेकिन फ्रैंकलिन भी दोस्तों कम नहीं है दिमाग लगाने में. फ्रैंकलिन ने आप लोग मैप में देख पा रहे हो
आगे ही दोस्तों यहाँ पर एक लॉस सेंटोस कस्टम है, मेरी कार को कोई ढूंढ ना पाए, जिसके कारण गाइज मैं इस कार का जो है कलर चेंज करवा देता हूँ। और साथ ही में दोस्तों जो विंडोज़ हैं, विंडो आप लोगों को पता होगा, लीमो करा देता हूँ। लीमो मतलब एक तरह से पूरी ब्लैक करा दूंगा, जिसके कारण से बाहर दोस्तों कोई भी हम लोग को देख नहीं पाएगा। अब बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हम लोग बाउंड्री भी तोड़ के जा सकते थे, लेकिन गाइज जो लॉस सेंटोस कस्टम का बंदा है उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर जो है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ एक तरह से, और यहाँ पर जो है कस्टम में उसके जो है कस्टम मॉडिफाइड कराने आया हूँ। तो ओवरफ्लड एंटिटी XF का जो कलर है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, मेरे ख्याल से वाइट काफ़ी ज़्यादा इसमें बेस्ट लगेगा। अभी नंबर प्लेट चेंज नहीं करानी यार, हाँ रीस्प्रे करा दो। तो ये रहा गाइस वाइट कलर जो कि मुझे मिल रहा है $650 में, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कलर लग रहा है गाइस। और अभी मैं इसकी जो है विंडोज़ चेंज करा देता हूँ, बाकी दोस्तों अभी मेरे को कुछ भी इसमें जो है मॉडिफाइड नहीं कराना है। अब आप लोग देख पा रहे हो लाइट स्मोक अगर हम लोग कराते हैं तो कैसा दिखता है, अगर मैं दोस्तों नन कराता हूँ तो भाई हमें बंदा दिख रहा है। लीमो करा देते हैं $700 में, अगर ब्लैक शीशे आप लोग करवा लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक चक्कर वहाँ पर मार ही आता हूँ। बाकी दोस्तों सबसे पहले ड्राइवर से बात करनी पड़ेगी, बिना मेरी इजाज़त के यहाँ पर लॉकडाउन किसने लगा दिया गाइस, मेरी ही कार अकेले जा रही है, पुलिस वालों को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ में आ सकता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से गाइस सबसे पहले लेस्टर से और ट्रेवर से भी बात करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन को हटाओ भाई, नहीं तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहीं पर छुप जाते हो, देखते हैं पुलिस हटती है कि नहीं हटती है, ब्लिंक तो हो रही थी गाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पुलिस हट चुकी है, ट्रेवर को कॉल कर लेता हूँ, बोलता हूँ भाई कि लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन हटा दो भाई। तो फाइनली गाइज मेरी ट्रेवर से भी बात हो चुकी है, ट्रेवर ने बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात की है। ट्रेवर ने बोला भाई मैंने लॉकडाउन कब का हटा दिया है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है कि लॉकडाउन किसने लगवाया। तभी दोस्तों फ्रैंकलिन वहीं से बोलता है, फ्रैंकी यानी कि फ्रैंकलिन, फ्रैंकी का जो फ्रैंकी है, फ्रैंकलिन का बेटा, उसने डायरेक्ट बता दिया है कि भाई जो तुम्हारा ये हाल है वो सिर्फ और सिर्फ ये पुलिस इंस्पेक्टर न्यू कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर गाइज मैं अपने हिसाब से यहाँ पर पार्क कर लेता हूँ, आगे से हम लोग जा नहीं सकते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइज वो नया पुलिस इंस्पेक्टर कौन है, और शिनचैन को दोस्तों उसने जो है जेल में डाल दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है गाइज। अभी मैं आप लोगों को अगर कैमरा खोल के दिखाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये देखो गाइज सामने की तरफ में हमारे एक पुलिस ऑफिसर दिख रहा है, टैंक वगैरह भी खड़े हुए हैं। और ये क्या गाइस मिलिट्री कर्नल माइकल भी यहाँ पर है, और उसके सामने जाने में माइकल की भी फट रही है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कैसे ना कैसे करके इस बाउंड्री पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है। अब यहाँ से गाइस मैं ऊपर की तरफ में जाके आप लोगों को सीढ़ी से चढ़ के कैमरे से दिखाता हूँ कि भाई वो बंदा है कौन, और कौन है वो पुलिस इंस्पेक्टर, और भाई क्यों इतना ज़्यादा वो ख़तरनाक है, क्या उसका फिजिक वगैरह है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये तो गाइस एक मिनट गाइस एक सेकंड, इसके पास एक डॉग भी है रॉटविलर, और हमारा दोस्तों प्यारा सा शिनचैन जो है वो गाइस जो है यहाँ पर सिट अरेस्ट पोजीशन पे है, और तो जिसके पास लैम्प और टैर्जो भी है। गाइस जो ये मैं सोच रहा हूँ, अच्छा हुआ दोस्तों आप लोग जो सोच रहे हैं वो वही है, भाई फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा बेताबर है, भाई हाइट बहुत है, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, ओ तेरी गाइस कमर टूट गई भाई। चलो कोई बात नहीं गाइज, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ गाइज, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है भाई वो कौन सा बंदा है, जो मैं सोच रहा हूँ गाइज अगर वो निकला तो भाई वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, वो तो रजनीकांत स्टाइल में मारता है। अब रजनीकांत सर जो है आप लोगों को पता होगा अपने रॉक स्टार सुपर स्टार गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये है भाई उनका दोस्त इंस्पेक्टर चिंगम। अबे हद हो गई भाई, ये बंदा तो चिंगम जैसे ही मारता है, चिपक भी जाता है उन्हीं से। ये अपने दोस्तों गैंगस्टर जो इनका मतलब मेन नेम रहता है ना, वो इस पर चिपक सा जाता है एक तरह से अपने नाम जैसे, जैसे कि इसका नाम है चिंगम। आजा मेरे बेटे जल्दी से बैठ जा अंदर फ्रैंकी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो उस बंदे ने मेरे को देख लिया है, 5 स्टार की पुलिस पीछे हम लोगों के पीछे लग पड़ी है गाइस। अब मेरा भाई इस लगता है पूरे लॉस सैंटोस पर जीना हराम सा हो सकता है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है क्योंकि इंस्पेक्टर चिंगम जिसको पकड़ने में आता है ना वो भाई छूटता नहीं है, उसके चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। मतलब गाइज आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंस्पेक्टर चिंगम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है, ठीक है, और उसी ने गाइज जो है अपने शिनचैन को भी किडनैप कर रखा है। तो गाइज शिनचैन को भी हम लोग कैसे बचाएं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब टाइम आ चुका है गाइज कि माइकल, ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन तीनों साथ में हो जाएँ और तीनों के तीनों गैंगस्टर बन जाएँ, और फिर दोस्तों हम लोग इंस्पेक्टर चिंगम को
कंट्रोल में कर सकते हैं। आप लोगों का क्या कहना है अपने सजेशन जरूर से कमेंट करके बता देना। फिलहाल दोस्तों मैं पहाड़ी एरिया में आ चुका हूँ। मेरा मानना ये है कि पहाड़ी एरिया में अगर आप आ जाते हो और यहाँ पर अपने आप को हाइड कर लेते हो तो पुलिस हट जाती है। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो फाइनली जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस, पुलिस बहुत पहले की हट गई थी और फाइनली दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर पर जा रहा हूँ और वहीं पर दोस्तों मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ। अगर गाइस घर पर भी कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो सच में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं जितना अपने घर के पास जा रहा हूँ उतनी धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं और गाइस बार बार मैं ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन गाइस जिसका डर था वही हुआ। फाइनली गाइस इंस्पेक्टर चिंगम यहीं पर आ चुका है और आते ही गाइस उसने जो है मेरे ऊपर अटैक करवाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारी कार तो थोड़ी बहुत आर्मर्ड है, अगर आर्मर नहीं होती तो गाइस ऑलमोस्ट ये मुझे किल कर चुके होते। मतलब गाइस इंस्पेक्टर चिंगम को ए टू जेड सब कुछ पता है कि भाई इनके घर कहाँ हैं। अब फिलहाल दोस्तों लेस्टर को मैं ये बात बता देता हूँ कि लेस्टर अब टीम ए टीम ई बी मत करो। फाइनली यहाँ पर मैंने लेस्टर को बता दिया है कि लेस्टर अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी सिचुएशन, तेरी साल निकल यहाँ से। इंस्पेक्टर चिंगम को भाई एक टक्कर तो मैंने मार दी, अब उसे पता भी लग गया होगा कि भाई हम बहुत ही बड़े लेवल के गैंगस्टर हैं। लेकिन गाइस इंस्पेक्टर चिंगम तो भाई इंस्पेक्टर चिंगम ही है। अब देखते हैं गाइस वो क्या कर पाएगा। अपने सजेशन आप लोग जरूर से कमेंट करके बताते रहना। 5 स्टार की प्लेस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है फ्रैंकलिन का। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्या फ्रैंकलिन ये क्या कर लिया भाई। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू ऑल।